टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत को दो गोल्ड मेडल्स मिले। जैवलिन थ्रो में हरियाणा के सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं शूटिंग में अवनी लखेड़ा ने गोल्ड पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि जैवलिन थ्रो में भारत को आज तीन मेडल्स मिले। जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं सुंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने आज पांच मेडल्स जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की पदक तालिका काफी मजबूत होती हुई। शूटिंग में अवनी लखेड़ा को गोल्ड मेडल है और गोल्ड मेडल की इस जीत पर प्रधानमंत्री और सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके खिलाड़ियों को बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने पैरालंपिक खिलाड़ी सुमित अंतिल को ट्वीट करके बधाई दी। उन्होंने लिखा कि पैरालंपिक में भी गाड़ दिया हरियाणा के छोर ने लठ। सुमित अंतिल ने पैरालंपिक्स में भाला फेंक खेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा वासियों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके बधाई दी सुमित अंतिल को और भाला फेंक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ सुमित अंतिल ने अपना गोल्ड मेडल जीता। जैवलिन थ्रो में हरियाणा के सुमित अंतिल का यह प्रदर्शन, जिससे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर की और बधाई दी खिलाड़ी को। उन्होंने ट्वीट करके इस पर बधाई दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। और जैवलिन थ्रो अगर इवेंट की बात करें तो जैवलिन थ्रो इवेंट में देवेंद्र झाझरिया ने भी सिल्वर मेडल जीता है और इससे पहले एक गोल्ड मेडल भी भारत की झोली में आया था, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान नीरज चोपड़ा ने हासिल किया था। और अब टोक्यो पैरालंपिक्स में भी एक और गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में। तो जैवलिन थ्रो, चाहे ओलंपिक्स की बात करें या पैरालंपिक्स की, भारत का एक तरफ ये छत्रराज यहां पर नजर आ रहा है, जहां विश्व स्तर पर खेलों के महाकुंभ में भारतीय खिलाड़ियों ने तमाम विपरीत परिस्थितियों को पछाड़ते हुए, सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, उन पर जीत हासिल करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, गोल्ड मेडल जीता। और विश्व के तमाम जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो इस खेलों के महाकुंभ में जुटते हैं। राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। राजेश, सुमित ने हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया सीएम का कहना और गोल्ड मेडल जीता है, एक बार फिर से हरियाणा का जो है नाम पूरी दुनिया में हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिएगा सुमित जो है बहुत ही, उसने अपने जीवन में संघर्ष किया है और जब सड़क दुर्घटना, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सुमित अंतिल के रिएक्शन आ रहे हैं, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। राजेश एक सवाल और, किस किस को थैंक यू बोलना चाहते हो, किसको डेडिकेट करना चाहते हो, घर वालों के कोई शब्द? असली मैं अपनी फैमिली को, फिर साई, पीसीआई और पूरे देश को ही थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि अपने कोचिस को, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू भाई, थैंक यू। राजेश, सुमित ने सभी को धन्यवाद किया है, देश को, परिवार को और उस संस्था को, जिसकी वजह से वो यहां तक पहुंच पाए। प्रैक्टिस करने वाले काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। सुमित, वहां क्या माहौल है सुमित के घर पर और हरियाणा में, लोग इससे काफी खुश हैं गोल्ड मेडल आने से? जी बिल्कुल, देखिएगा सुमित ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचा है। खास बात यह है कि जब वह सड़क दुर्घटना में उसका एक पैर चला गया था और उसकी माँ जो है उसका पैर, नकली पैर जो है, लगवा कर लेकर आई और माँ ने काफी हौसला बढ़ाया कि बेटे हार नहीं मानते, आगे बढ़ते हैं। और यकीन मानो आज उसकी माँ इतनी खुश है कि बेटे ने गोल्ड मेडल जीत कर, वो ये कहती है कि उन्होंने हरियाणा नहीं देश को खुशी दी है। और बेटा जब घर पर आएगा तो उनको सब्जी और रोटी बहुत पसंद है, उसकी माँ से हमने पूछा तो उसने साफ तौर से कहा कि मैं बेटे के लिए जैसे सादा खाना होता है घर पे, रोटी और सब्जी वो खुशी से खाता, माँ वही खिलाएगी, जो कि उनकी माँ ने इस तरह से बताया। गांव वालों में इतनी खुशी देखी गई है, बम पटाखे भी बाकायदा चलाए गए हैं, इसके अतिरिक्त ढोल
और नगाड़ों के साथ महिलाएं और ग्रामीण खुशी से नाचते हुए भी नजर आए हैं और बहुत मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई जा रही है। गांव पूरा खुश है जी। बिल्कुल राजेश, चूंकि उपलब्धि इतनी बड़ी है, गोल्ड मेडल आता है एक बार फिर से हरियाणा की धरती से और हरियाणा के छोरे ने यहाँ लठ गाड़ दिया और ऐसे में गांव में खुशी का माहौल तो होगा ही। सुमित की वापसी के बारे में कोई अभी तक अपडेट मिल पाया राजेश? जी बिल्कुल, देखिएगा इस बारे में हमने ग्रामीणों से भी बात किया, उसके माँ से भी बात किया क्योंकि उसका पिता तो गुजर चुके हैं पहले ही। और जो ग्रामीण जो कह रहे थे जैसे ही सुमित वापिस इंडिया लौटेगा तो एयरपोर्ट से उसे लेकर आएंगे, काफी बड़ा सम्मान जो है उसका किया जाएगा।